नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्टर सभागार में शौरतगढ़ में अपना दल यानी कि सोनेलाल, विधायक विनय वर्मा और डीएम रवि रंजन संजीव रंजन के बीच बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक चिल्लाते हुए डीएम से अपने प्रश्नों के जवाब मांगते नजर आ रही है। विधायक का कहना है कि उनके प्रश्नों का जवाब लिखित में दिया जाए। उनका आरोप है कि कोई अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। वीडियो में विधायक डीएम से कह रहे हैं कि आपसे भी पूछा है लेकिन आपने भी कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल विधायक वर्मा अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी मांग रहे थे। इस दौरान विधायक वर्मा गुस्से में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देते हैं, जिसके बाद अधिकारी मीटिंग का बहिष्कार करते हुए उठ खड़े होते हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बता दें डीएम पर भड़के हैं विधायक विनय वर्मा और इसके बाद से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। नहीं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, किसी तरह का कोई बहस का मामला नहीं है। उनके अपने विधानसभा में कुछ किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, जिनकी जानकारी उनको उपलब्ध करा दी गई। उन्होंने कुछ उसका लिखित मांगा है, वो भी उपलब्ध करा। जब विधायक भड़के हैं डीएम पर, ऐसे में आपको बता दें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है विधायक की ओर से, जिसके बाद से वहाँ के तमाम लोग अधिकारी जो है वो भड़क उठे और इस सभागार का बहिष्कार उनकी तरफ से किया गया है और आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बाद आपको बता रहे कि समझा बुझाकर बैठाया गया और बैठाने के बाद जो है आगे की जानकारी उनकी तरफ से ली गई है और ये जानकारी ले ली गई है। लेकिन ये वीडियो काफी कुछ बयां करता है दोनों के बीच बहस का। ये वीडियो सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तीखी बहस का वीडियो है, डीएम और विधायक के बीच में तीखी बहस हुई है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए डीएम पर भड़के हैं विधायक और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अधिकारियों पर रौब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, कब का है ये वीडियो और अब वायरल हो रहा है, इसके बाद कोई विधायक की प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है क्या? दो दिन पहले का ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है। ये बाढ़ को लेकर ये बैठक चल रही थी, जो कि बांधों को बचाने के लिए ये बैठक की गई थी, किस तरह से बांध को बचाया जाए। लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का विधायक का प्रयोग करना ये ठीक नहीं था, जबकि शासन प्रशासन ने दोनों वहां मौजूद थे और शासन प्रशासन में ये जंग छिड़ गई। इस तरह का अमर्यादित भाषा का विधायक ने प्रयोग किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जो है सम्मानित पद पे एक विधायक होता है, तो इस तरह से प्रशासन के खिलाफ उनको ये नहीं कहना चाहिए था। जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि जब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया विधायक की तरफ से, उसके बाद से जो बाकी वहाँ पे अधिकारी थे वो भड़क उठे और खड़े उठ गए, उसके बाद से समझा बुझाकर इनको वापस बैठाया गया। कितने जानकारी में सच्चाई है? बिल्कुल, ये अधिकारी जब उनके ऊपर ये भड़के विधायक विनय वर्मा जो कि अपना दल से विधायक है, तो अधिकारियों ने वहाँ मीटिंग छोड़कर भाग ली जाई, मीटिंग से उठकर खड़े हो गए, लेकिन वही समझा बुझाकर दोबारा उनको बैठाया गया। तो क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद विनय वर्मा जो कि विधायक है उनकी तरफ से कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई है क्या? बिल्कुल कोई बयान और प्रक्रिया नहीं। मैंने उनसे संपर्क किया तो उनका कहना है कि इस तरह का कोई मामला मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता, मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना
ये तो गलत था कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपने क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी करें। ये तो एक विधायक सम्मानित पद पे होके इस तरह से जो है प्रशासन से बात कर रहे थे। डीएम से या वहाँ पे जो मौजूद तमाम अधिकारी हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर? वहीं जिला अधिकारी से बात की थी तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, वो कार्यों की समीक्षा का मांग रहे थे जो कि मैंने उनको दे दिया है और जो भी मांग रहे हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन इस तरह से मर्यादित भाषा का जब विधायक प्रयोग करते हैं जबकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद है उसके आप मीटिंग छोड़ के भागना चाह लेकिन इस तरह से आप प्रयोग किए अमर्यादित भाषा का, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो शासन को सोचना चाहिए कि इसकी कार्रवाई होनी। और जब ये सब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया विधायक की तरफ से उसके बाद से मीटिंग कितने देर तक कंटिन्यू रही थी? मीटिंग आधे घंटे मीटिंग चली उसके बाद ये मीटिंग खत्म कर दी गई क्योंकि बाढ़ को लेकर ये चर्चाएं करनी थी तो लेकिन जब मीटिंग से पहले ही इस तरह के बवाल हो गए हंगामे शुरू हो गए तो ये मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं चली। तो क्या ये पहली बार था जब विधायक विनय वर्मा की ओर से ये सब मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया या इससे पहले भी कितनी मीटिंग हुई होगी? उन मीटिंग में भी यही उनका रूप देखने को मिला था क्या? ऐसा इनका कई बार वीडियो वायरल हो चुका है कई मामले को लेकर, इस तरह से ये हर वीडियो में ये जो है अधिकारियों से बहस करते नजर आते हैं। लेकिन अब फिर इस तरह से इनका जो बैठक था उस बैठक में जो भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए कई बार इनका इस तरह का वीडियो वायरल भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगरा में एक के बाद एक कई कब्र चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक ताजा मामला मंदिया कट्टा रोड का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक कब्रिस्तान था जहां से सारी कब्रें चोरी हो चुकी है और बस एक कब्र बची है। इतना ही नहीं, उसे कब्र को भी पेड़ के ऊपर रख दिया गया है। वो माफिया अपने निजी स्वार्थ के लिए कब्रों को चोरी कर रहे, कब्रिस्तान पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रही है और प्रशासन इस सब पर आंख बंद किए हुए है। तो बता दें कि कब्र चोरी की घटना निकल के सामने आई है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये कब्र एक ही दिन में सबके सब उड़ा लिए गए? क्योंकि भू माफियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा में सक्रिय है कब्र चोरों का गैंग और इसीलिए एक के बाद एक कर कई कब्र जो है यहां से उड़ा लिए गए हैं और कुछ कब्र जो है वो पेड़ के ऊपर भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक कर कब्र चोरी करने की घटना जो है वो सामने आ रही है और एक कब्र आपको पेड़ के ऊपर भी नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से भू माफियों की सक्रियता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मनीष गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे आगरा से। मनीष, क्या है ये पूरी खबर? क्या एक ही दिन में ये सारे कब्र को उड़ा लिए गए? प्रशासन के नाक के नीचे भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल पीटीओ, बता दें ये पूरा मामला मदिया कटरा स्थित कब्रिस्तान का है जहां पर एक के बाद एक कब्र चोरी होने का मामला सामने आ रहा है। लगातार आए दिन कब्र चोरी होती रही थी, उसके बाद जब वहां लोग मौजूद थे उन्होंने संज्ञान मतलब उनके जानकारी के दौरान पता चला कि वहां पर एक कब्र ही बची हुई है। तो लगातार जो भू माफिया है और कुछ मुस्लिम लोग हैं तो लगातार कब्र चोरी कर कहीं ना कहीं भू जो जमीन है कब्रिस्तान की उस पर कब्जा करने की मंशा से पूरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आगरा प्रशासन की नाक के सामने आंखों के सामने कहीं ना कहीं ये पूरी घटना कब्रों को चोरी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी मेन से क्यों जाग नहीं रहा है, एक बड़ा ही प्रशासन के लिए सवाल खड़ा होता है। कब्रों की कितनी संख्या बताई जा रही है जो कि चोरी हुई है? एक कब्र तो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पेड़ के ऊपर रख दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल बता दूं मैं, वहाँ पे लगभग सैकड़ों कब्रें थी, तमाम कब्रें थी, एक के बाद एक लगातार चोरी करते हुए भू माफिया सामने आ रहे हैं। क्योंकि लगातार वहां पर जो लोग गए थे उनका कहना यही है कि लगातार आए दिन भू माफिया आए दिन कब्रों को एक एक करके ना से एक ही दिन में ये कब्रें चोरी नहीं हुई है, लेकिन जो कब्रें चोरी हुई है वो एक एक कब्रें चोरी एक एक करके कब्रें वो चोरी किया गया है। उसके बाद भू माफिया लगातार अपना काम कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ योगी सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि भू माफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, लेकिन आगरा प्रशासन अभी नींद से जागने का जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि भू माफियाओं पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर आए। अगर ऐसे ही कब्रिस्तानों पर कब्जा होता रहेगा तो एक दिन वो आएगा जैसे जो मुस्लिम सब है उन्हें दफनाने की जगह एक बार जलाने जैसी सब आने।
क्या पुलिस प्रशासन का इस पूरे घटना पे कोई बयान निकल के सामने आया है? आखिर किस तरीके की लापरवाही उनकी तरफ से देखी जा रही है कि दिन पर दिन करके ये कब्रें गायब होती गई और किसी की नजर तक नहीं पड़ी? बड़ा सवाल खड़ा होता है ऐसे में मनीष। बिल्कुल बता दो सुनिए, जिस तरीके इस सवाल की बात की है तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि जैसे ये कब्रों की एक तरीके से चोरी होती है, क्योंकि कहा जाता है इस तरीके से घर के अंदर से चोरी होना एक अलग बात है, लेकिन कब्रों की चोरी कर भू माफिया अपना काम कर रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन ही नहीं, मैं बात करूं आगरा के जिला अधिकारी हो या सीडीओ हो, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले ये पहला मामला नहीं है, इसके अलावा भी कई कब्रिस्तानों पर भू माफिया कब्जा कर चुके हैं। वही मैं बात करूँ तो न्यायालय की, तो कहीं नूरी कुश्ती करने के बाद ये कहा जा सकता है कि नौरा कुश्ती जिस तरीके से होती है उस तरीके से कोर्ट के संज्ञान, कोर्ट की आंखों में कहीं ना कहीं धूल, डॉक्टर भी नजर आकर कभी तरफ आदेश कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक बड़ा सवाल निकलकर आता है कि कब्रिस्तानों पर ही अगर कब्जा होगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के सब है उन्हें दफनाने की जगह एक बार जलाने वाला सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं मनीष, और ये तस्वीरें जो निकल के आ रही है वो काफी कुछ बयां कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां ग्राम प्रधान के घोटालों से जनता परेशान है। ना गांव में बनी सड़कें, ना हुआ कोई विकास कार्य वहां पे। इसके साथ ही प्रधान पर आवास निर्माण के नाम पर पैसे मांगने का भी आरोप है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला तहसील कौल के क्षेत्र अकाराबाद ब्लॉक के गाँव बिलौठी का है, जहाँ के ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधानी को लगभग 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन गाँव में जो भी विकास के नाम पर पैसा आ रहा है उसे प्रधान निकाल लेते हैं और जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहले तो बताइए पूरा वाक्य क्या है जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। हो गए प्रधान बने हुए, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो तस्वीरें हैं गांव की, जो हमने देखी है तस्वीरों में, आप भी दिखा सकते हैं कि गांव में कहीं पर भी पक्की सड़क नहीं है, कहीं मकान नहीं है। जो पंचायत दे रहा है वो भी जर्जर व्यवस्था बना हुआ है, जिसकी मांग ग्रामीण लगातार प्रधान से करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी प्रधान से किसी काम की कही जाती है तो उसे हर चीज में रिश्वत चाहिए, बिना रिश्वत से कोई काम नहीं करता, पैसे भी ले लेता और काम भी नहीं करता है, ऐसा ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है, जिसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड किया ग्रामीणों में, जो काफी वायरल हो रही है। जी स्वीटी, कितने दिनों से प्रधान उस पद पे तैनात है और क्या पद पे तैनाती रहते हुए थोड़ा भी कार्य में प्रगति नहीं देखने को मिला? बिल्कुल, प्रधान ही तो चुनाव हुए तकरीबन 2.5 साल हुए, 2.5 वर्ष तो जो है वो गांव का प्रधान है, और बावजूद लगातार लोगों ने उससे सड़कों के लिए कहा, आवास के लिए कहा, यहाँ तक की शौचालय के लिए कहा, तो प्रधान ने पैसे जो आते हैं वो जो पैसे ट्रांसफर होते हैं पैसे निकलवा देता है लोगों के अकाउंट से और उसके बाद में कोई काम नहीं करता, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीण करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो ऑडियो वायरल जो हो रहा है उसमें भी प्रधान जो है साफ तौर पर ग्रामीणों को धमकाते हुए नजर आ रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। जी, वहाँ के ग्रामीण का क्या कुछ कहना है इस पूरे वाक्य पे, क्योंकि साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से जर्जर हालत हो रखी है पूरे इलाके की। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अभी इन्होंने इसकी शिकायत जो है वो जिलाधिकारी से की है और मामले को ऊपर तक लेके जाएंगे। वहीं प्रशासन ने भी इस मामले पर सख्ती बरतते हुए प्रधान के खिलाफ जांच बैठक दी है और आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना कितना खतरनाक हो जाता है, इसका ये साफ तौर पर उदाहरण है कि गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और जो पैसा है वो सारा का सारा प्रधान जो है ऐसे बचा गया, बावजूद इसके धमकी दे रहा है ग्रामीणों को, धमका रहा है कि कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा, जब शिकायत करनी है कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही है उनको सबको पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रदीप, वो तो ये ऑडियो वायरल हो गया तो प्रधान की सच्चाई जो है सबके सामने उजागर हो गई। अगर वो ऑडियो वायरल नहीं होता तो जहां 2.5 साल पूरे हो चुके हैं वही आगे के अपने जो भी उनके काम बचे हैं वो भी इसी तरीके से जर्जर हालत में वो अपनी वाहवाही बटोरते। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से ग्रामीणों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद में प्रधान से अलग अलग जो ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं, तीन ऑडियो और ये तीनों जो व्यक्ति हैं अलग अलग व्यक्ति हैं, इन्होंने प्रधान की क्योंकि कई बार शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद में ग्रामीणों ने जब बातचीत की तो इनका ऑडियो बना के ये जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसके बाद में ये जो कार्रवाई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए आपका।
और प्रधान के घोटाले से जनता परेशान है और इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है जब प्रधान जो है आम जनता को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। गलियों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्जर बनी हुई है। काम यहाँ पे काफी रुका हुआ, प्रकृति की दिशा में इसको आगे बढ़ाना है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसी भी मुसीबत में फंसने के बाद पुलिस से मदद की गुहार लगाई जाती है। कहा जाता है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात है, लेकिन इस बार लखनऊ के एक आईपीएस अधिकारी ने इस वर्दी पर दाग लगा दिया है। दरअसल 12 मई को सोशल मीडिया पर लखनऊ के एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में अधिकारी वीडियो कॉलिंग के दौरान स्कूल संचालक से 20 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की गई है और आरोप सही पाए जाने पर मुख्यालय ने अनिरुद्ध को वाराणसी में इंटेलिजेंस मुख्यालय से अटैच कर दिया था। तो जांच कमेटी बैठा दी गई है, मामले की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में अगर जांच सही पाई गई तो इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी। तो उसका आप इसको मत के लिए इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। भैया निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को? 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है चारों तरफ अकाउंट वेल चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 20 अच्छा जी आपको भेजिए और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज तो सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। काफी पुराना ये वीडियो बताया जा रहा, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आईपीएस अनिरुद्ध सिंह जो कि साफ तौर पे 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है और ऐसे में जब कहा गया दूसरी तरफ से कि 10 लाख मिनिमम होगा तो उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि मिनिमम 20 लाख आप मुझे दे दीजिए। जांच कमेटी बैठा दी गई है, मामले की जांच लगातार हो रही है, अगर जांच सही पाई गई तो अनिरुद्ध के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। आशीष, ये वीडियो काफी पुरानी बताई जा रही है, संज्ञान में कब आया ये वीडियो, वायरल कब हुआ ये वीडियो और कब पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो 2018 बैच के आईपीएस अफसर है अंदु सिंह, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो जो वायरल हुआ था वो 12 मार्च को वायरल हुआ था। 12 मार्च को जब ये वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो में एक बनारस के स्कूल के प्रबंधक है उनसे वीडियो चैटिंग पे बात चल रही थी और उसमें इन्होंने 25 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि इस वीडियो को वायरल के बाद में डीजीपी मुख्यालय ने संज्ञान लिया था। 13 मार्च 2023 को इस वीडियो के लिए डीजीपी मुख्यालय से जांच के आदेश दिए गए थे। बनारस के कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। हालांकि करीब 2.5 महीने बाद अगर देखा जाए तो करीब 2.5 महीने बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है, जबकि डीजीपी मुख्यालय से ये कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर सबमिट की जाए। 2.5 महीने बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है। तब अगर देखा जाए आईपीएस अनुज सिंह की जो पोस्टिंग थी वो मेरठ में थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब मेरठ में ये बतौर एसपी ग्रामीण के पद पर ये तैनात थे, तब से इनको तत्कालीन प्रभाव से वहां के पद से हटा दिया गया था। इस पूरे मामले की 2.5 महीने बाद जब रिपोर्ट आज डीजीपी मुख्यालय में सबमिट हुई है उसमें आईपीएस अंदु सिंह दोषी पाए जाते हैं। आईपीएस अंदु सिंह के ऊपर अब विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वो विभागीय कार्रवाई कब तक की होती है ये देखना होगा, लेकिन देखा ये जा सकता है कि एक आईपीएस रैंक का अधिकारी से बड़े रैंक का अधिकारी और इस तरीके की जो हर पैसे मांगने की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करती है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ था करीब 12 मार्च को जब ये वीडियो वायरल हुआ था उस समय अगर देखा जाए तब वो उनके जो बयान थे आईपीएस अमित सिंह के जो बयान दिए गए थे उनकी तरफ से तब ये कहा गया था कि ये वीडियो काफी पुराना है और इस वीडियो में उनको क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि डीजीपी मुख्यालय से इसकी जांच भी हो रही थी और जांच के बाद अब 2.5 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आज सबमिट की गई है और उस रिपोर्ट में बाकायदा अंदु सिंह दोषी पाए गए हैं। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है, वो कार्रवाई किस तरीके की होती है ये देखना होगा।
जी बिल्कुल, ये देखना होगा। लेकिन आईपीएस अनिरुद्ध सिंह तो दोषी पाए गए हैं इस पूरे जांच में आशीष, तो क्या उनकी तरफ से कोई सफाई निकल के सामने आई है क्या? क्योंकि जांच पड़ताल में जाहिर सी बात है कि उनका भी बयान लिया गया होगा, उनकी सफाई भी ली गई होगी, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे वीडियो पे? देखिए, आईपीएस अनु सिंह की अगर बात की जाए तो जब ये 12 मार्च जब ये वीडियो वायरल हुआ था तभी अनु सिंह की एक पोस्ट था जरूर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी और साथ ही साथ उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर आया था। उन्होंने ये कहा था कि ये वीडियो काफी पुराना है, ये जब बनारस में उनकी पोस्टिंग थी तब का वीडियो है, किसी एक मामले में यानी कि एक आपराधिक मामले में वो लगातार इसको फोन कर रहा था, उसमें उस समय का ये वीडियो उन्होंने बताया था। हालांकि डीजीपी मुख्यालय ने इस वीडियो को संज्ञान भी लिया था क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी चर्चित भी रहा और चर्चित रहने की वजह ये रही कि एक आईपीएस ऑफिसर का नाम इससे जुड़ा हुआ था। पर आशीष, सवाल तो यही उठता है ना, आखिर वीडियो पुराना हो या नया हो, रिश्वत रिश्वतखोरी ही होती है। चाहे आप इस वीडियो को पुराना बताइए या नया बताइए कि जिस पद पे आप तैनात हो वहाँ पे सुरक्षा करनी चाहिए आम जनता की, आप उनके बदले रिश्वत मांग रहे हैं। देखिए, यही वजह रही है कि जब इस वीडियो को किसी एक आईपीएस ऑफिसर है 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और इस वीडियो को जब वायरल हुआ है उसके बाद से डीजीपी मुख्यालय ने 13 मार्च को ही संज्ञान लिया था और 13 मार्च को जब संज्ञान लिया था तो बाकायदा डीजीपी मुख्यालय से इसकी एक नोटिस कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में 3 सदस्य कमेटी बनाई गई थी जिसमें बनारस के कमिश्नर भी शामिल थे। बनारस के कमिश्नर ने बकायदा 2.5 महीने बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट की है और रिपोर्ट में बकायदा रजिस्टर के दिया है कि आईपीएस अनु सिंह के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वाकई में वो कुछ स्कूल प्रबंधक से 25 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। तो इस तरीके के बयान, हालांकि अभी अनुरूप सिंह की तरफ से किसी भी तरीके का बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अनुरूप सिंह की जो मुश्किलें हैं वो आप काफी बढ़ती दिखाई देंगी क्योंकि जब विभागीय कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी वो किस तरीके की होती है। जी बिल्कुल, विभागीय कार्रवाई का इंतजार है आपको भी हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और लोकसभा चुनाव से पहले सोनभद्र में योगी आदित्यनाथ को बड़ी सोनभद्र को योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 414 करोड़ लागत से 217 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज से 6 वर्ष पहले तक सोनभद्र और मिर्जापुर में भी शुद्ध पेयजल मिलना एक सपना था। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब सपना साकार हो रहा है, कुछ महीनों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना शुरू जाएगी। अब सरकार लोगों के घरों तक आरओ का पानी पाइप से पहुंचाने का काम करने जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहां शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले सत्र में यहां पर हम प्रवेश भी करवाएंगे। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है, सोने का। डबल इंजन की सरकार जब उनके साथ खड़ी है तो उसका अधिकार में मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए और उसको देने के लिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें जाओ इस।